हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है उसको लेकर के आया हूँ। कल मैंने आपको विषय के बारे में पूरी जानकारी दिया था कि हमें इकोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है। कल की क्लास में मैंने विषय सूची बताया था। आज की क्लास में मैं आपको समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसमें से कितने प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, कहां कहां से बनते हैं, ये सारी चर्चा आज इस क्लास में हम करेंगे। मित्रों देखिए, समृद्धि तथा विकास ये दोनों शब्दों को 1970 के दशक तक एक साथ प्रयोग किया जाता था। 1970 के दशक तक समृद्ध को इंग्लिश में ग्रोथ कहेंगे, विकास को डेवलपमेंट कहेंगे। ये दोनों शब्दों को 1970 तक एक साथ प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में दोनों में अंतर कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा बात को। समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश में किया जाता है, विकसित देश में, और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में। पहला अंतर, मतलब समृद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका जैसे देश में किया जाता है, विकास शब्द का प्रयोग भारत जैसे देश में किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, संकुचित नैरो सेंस, और यह एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में केवल क्वांटिटी चेंज देखते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी ध्यान दिया जाता है, हम लोग ये देखते हैं कि समृद्धि में केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है कि नहीं, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, केवल इसमें हम जीडीपी परिवर्तन को ही ध्यान देते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, घट रही है कि नहीं, केवल इस बात को ध्यान दिया जाता है। जबकि विकास में जीडीपी प्लस पीक्यूएलआई और HDI को भी ध्यान दिया जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, पहली बात ये आपके प्रश्न बन गए। पूछा जाए कि समृद्ध शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो विकसित देश में, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में, समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है, समृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन को ध्यान दिया जाता है, विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, समृद्धि में केवल जीडीपी परिवर्तन को ध्यान देते हैं, विकास में जीडीपी के साथ साथ पीक्यूएलआई और एचडीआई परिवर्तन का भी ध्यान दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये संकुचित क्यों है। देखिए, यहाँ केवल जीडीपी से यह संबंधित है और विकास अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित किया हुआ है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, तमाम सारी चीजों को विकास में समाहित किया गया है। तो विकास अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए, ये कोई एक गेहूं का पेड़ है, ये गेहूं का पेड़ है, गेहूं पहले बो दिया गया, उसके बाद ये बढ़ने लगा, बढ़ते 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 बड़ा हुआ और इसमें फर लग गया। तो ध्यान दीजिए, गेहूं बोने से फर लगने तक की जो प्रक्रिया है उसे हम विकास कहते हैं, और यही व्यापक होता है। अब फर लग जाने की जो प्रक्रिया, ये संकुचित होता है, और इसी को हम समृद्धि कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हम घर बनाना स्टार्ट करें तो हमको ज्यादा समस्या होगी, ईंटा चाहिए, बालू चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन जैसे ही हमारा घर बन जाता है तो हमको केवल उसके मेंटेनेंस की देख रेख करना पड़ता है कि मेंटेन है या नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें केवल आपको जो विकास है ये व्यापक प्रक्रिया है और समृद्धि एक छोटी, कहने का मतलब समृद्धि में विकास निहित होता है लेकिन समृद्धि की पूर्व अवस्था विकास की अवस्था है। आप देखिए यहां मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक का मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक गिलास जूस पिलाइए और वो 50 kg बोरी उठाने की क्षमता उसके अंदर हो जाए, लेकिन उसी व्यक्ति को 50 गिलास जूस पिलाइए और फिर तब जाकर वो 50 किलो बोरी उठाने की क्षमता हो, तो यहां एक गिलास जो जूस है वो क्वालिटी चेंज है, उसमें गुणवत्ता है, और जो 50 है वो क्वांटिटी चेंज है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन है। आगे चलकर ये देखा गया कि कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, इसके लिए दो मापक यंत्र, ये GDP का कॉन्सेप्ट में आगे वाले टॉपिक नेशनल इनकम जब आएगा, राष्ट्रीय आय जिसमें GDP, NDP, GNP, FCMP ये सारी चीज़ों को बताऊंगा, तो GDP वगैरह के बारे में विस्तार से चर्चा उस चैप्टर में मैं करूंगा। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि PQLI और HDI क्या है, ये जितने भी लिखे हुए हैं बोर्ड में यही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का विभाजन कर पाना संभव नहीं होता, कोई भी प्रश्न हो बस थोड़ा सा डीप और सरल का अंतर होता है। अगला आ गए हम मित्रों PQLI लेकर के, PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, हिंदी में जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, इसे दिया किसने, अगर पूछा जाए दिया किसने तो दिया जान टिनबर्जन ने, जान टिनबर्जन, लेकिन ये किसके नाम से जाना जाता है, तो नाम से ये जाना जाता है मारिस डी मारिस के नाम से जाना जाता है। मारिस डी मारिस ने कहा कि हम कैसे जानेंगे कि कोई देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने 3 मापक यंत्र बनाए जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा साक्षरता दर और अगला शिशु मृत्यु दर। और इसका जो इन्होंने मान रखा वो रखा 1 से 100। जरा समझिए, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जन्म के समय जो आशा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। देखिए पहले जीवन प्रत्याशा बहुत हुआ करती थी, हम लोग अपने दादा बुजुर्गों को देखें तो लोग 100-100 साल 110-110 साल जिया करते थे, लेकिन आज की जनरेशन 65-70 साल में मर जाते हैं। कारण सिर्फ ये है कि गुणवत्ता की कमी। आप जरा सोचिए, आज सारी चीजों को कृत्रिम रूप से पैदा कर दिया जा रहा है, शाम की यदि लौकी को आप बो दीजिए और उसमें आपको इतना बड़ा फर दिखे और उसको इंजेक्शन लगा करके जो है सुबह इतना बड़ा कर देते हैं और उसके बाद बिक्री करके उसको लोग खा लेते हैं, लेकिन ऐसा किया क्यों ना जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है हमारे देश की, तब 125-30 करोड़ जनसंख्या को भोजन भी उपलब्ध तो कराना है। पहले के लोग, आप लोग जरा गौर करिए, बच्चों आप ध्यान दीजिए, आप खुद ने महसूस किया होगा या अपने दादा परदादा से पूछिए कि पहले की जो भी चीजें हुआ करती थी, चाहे रोटी दाल या कोई भी चीज, बड़ी क्वालिटी हुआ करती थी, आज वो क्वालिटी नहीं रह गई,
तो जीवन प्रत्याशा का मतलब कि जन्म के समय जो वासा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा, उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। साक्षरता दर बढ़ रही हो, मतलब जीवन प्रत्याशा बढ़ रही हो, साक्षरता दर बढ़ रही हो, शिशु मृत्यु दर घट रही हो, तो हम कहेंगे कि किसी देश के विकास हो रहा है अन्यथा नहीं। 100 की ओर यदि इसका सूचकांक जाता है तो बेहतर स्थित, 1 की ओर जाता है तो खराब स्थित। आगे चलकर बच्चों, इन्होंने एक कमी छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने शिशु मृत्यु दर तो लिया लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं लिया। क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा, प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ेगी, तो हम खाएंगे नहीं, और जब खाएंगे नहीं तो जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी। और दूसरी बात, इधर साक्षरता दर, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे, कैसे साक्षरता दर बढ़ेगी। क्योंकि साक्षरता दर बढ़ने से कुछ नहीं होता। भारत की आज साक्षरता दर 74% है, लेकिन आप खुद इस चीज़ को महसूस करें कि लोग PhD किए हुए ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सफाई कर्मी का फॉर्म डालने के लिए मजबूर है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी की कमी है। तो इन्होंने जो कमी छोड़ा उसको आगे दूर किया गया HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ध्यान दीजिए कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया, UNDP से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने HDI का विचार दिया। UNDP से जुड़े, हर शब्द प्रश्न पूछा जाता है, HDI कौन जारी करेगा, तो UNDP। किसने HDI दिया, तो महबूब उल हक ने। किससे जुड़े हुए थे, तो UNDP से। कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो पाकिस्तानी थे। समर्थन किसने किया, तो समर्थन किया सिंगरहंस आमर्त्य सेन। इन्होंने देखिए, हर प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना। UNDP HDI जारी करता है, महबूब उल हक ने दिया, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, UNDP से जुड़े हुए। इन्होंने भी 3 टूल्स का प्रयोग किया, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, और अगला लिया प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ध्यान दीजिए मित्रों कि जीवन प्रत्याशा साक्षरता दर तो इसमें भी है, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें शिशु मृत्यु दर है और इसमें प्रति व्यक्ति आय है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इन्होंने मान रखा था 1 से 100 और इन्होंने रखा है 0 से 1। 1 की ओर बढ़ना बेहतर स्थित और 0 की ओर बढ़ना खराब स्थित। 2018 में 189 देशों 2018 में 189 देशों में HDI जो रैंकिंग है, प्रथम स्थान नॉर्वे और 130वां स्थान भारत का है, 130वां स्थान भारत का है। अब देखिए यहां प्रश्न कैसे बनेगा, नीचे दे देगा शिशु मृत्यु दर और पूछेगा कि बताइए HDI में क्या शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि HDI में शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर PQLI में शामिल है। अगला देखिए कैसा प्रश्न यहां से बन सकता है, अगला प्रश्न यह बन सकता है, ये तीनों दे देगा और नीचे देगा उपर्युक्त सभी और पूछेगा बताओ HDI में कौन शामिल है, तो उपर्युक्त सभी शामिल है। तो देखिए इस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं, आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिए और किसी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं,
टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ते चलें और फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले उसे सॉल्व करते चलें और आपका इकोनॉमिक्स से का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आप देखिए कोई देश कैसे विकास करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो विकास की रणनीति है उसके बारे में जाने। विकास की रणनीति विकास की रणनीति देखिए इसकी केवल दो ही रणनीति है, एक पूंजी प्रधान और दूसरा श्रम प्रधान। कहने का मतलब अमेरिका पूंजी, पहले समझ लिए पूंजी क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में जो समाप्त ना हो उसे हम पूंजी कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में जो समाप्त ना हो उसे हम पूंजी कहते हैं, और जब पूंजी से पूंजी का निर्माण करें तो उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। जैसे एक ट्रैक्टर ले लीजिए और खेत जोतिए, जोत जोत कर कमाइए और दो ट्रैक्टर ले लीजिए, तो ये पूंजी निर्माण हुआ। अब देखिए श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, अमेरिका जैसा देश के पास कैपिटल ज़्यादा है और भारत जैसे देश के पास श्रम ज़्यादा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा भी भारत में है। तो कहने का मतलब जिसके पास पूंजी ज्यादा हो, कैपिटल ज्यादा हो, वो कैपिटल ज्यादा लगा करके आउटपुट प्राप्त करे तो उसे हम पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी या रणनीति कहते हैं। मतलब कैपिटल बढ़ाकर जब कोई देश उत्पादन को बढ़ाता है तो उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या पूंजी प्रधान तकनीकी कहते हैं। और जब कोई देश लेबर को बढ़ा करके, देखिए दोनों का संयोग होता है, इसका इसका, बिना इन दोनों के संयोग के दुनिया में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं तो यहां देखिए दो चीज है, एक तो मैं हूं श्रम कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं, साथ में जिन जिन टूल्सों के माध्यम से ये बोर्ड है और ये तमाम सारी चीजें, ये मेरा पूंजी है। तो कहने का मतलब जब लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आउटपुट बढ़ाते हैं, तो उसे हम श्रम प्रधान तकनीकी या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं हम मित्रों, कि संतुलित विकास और दूसरा असंतुलित विकास में क्या अंतर है। मतलब संतुलित विकास और असंतुलित विकास में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। संतुलित विकास के जनक रेगनर नक्स हैं और इन्हीं का यह कथन है कि तुम गरीब हो क्योंकि गरीब थे और तुम गरीब रहोगे चूंकि गरीब हो। इन्हीं का कथन है रेगनर नक्स का। एक कथन और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ग्रीष्म का नियम है ये। आप जरा देखिए आपके पास पांच नोट हो, चार नोट पुरानी हो, मतलब पुरानी मतलब कि थोड़ा सा रद्दी टाइप की, और एक नोट एकदम टाइट करेंसी हो, आप दुकान में वही नोट देना पसंद करेंगे जो एकदम जो एक रद्दी हो करेंसी वाली को जेब में। अब ऐसे ही जब पूरा दुनिया करेगी तो सीधी सी बात है मार्केट में पुरानी नोट चलेगी और नई नोट जेब में रहेगी। ये महारानी एलिजाबेथ के समय ग्रेशम उनके वित्त सचिव थे तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी।
असंतुलित विकास के जनक हर्षमैन है, हर्षमैन है। ध्यान दीजिए, संतुलित विकास के जनक रेगनानक्स हैं और असंतुलित विकास के जनक हर्षमैन है। अब रेगनानक्स कहते हैं कि अल्प विकसित देश के पास संसाधन बहुत कम होते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा होती है और सभी क्षेत्र में होती है, इसलिए सरकार को एक समान सभी क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए, ऐसा रेगनानक्स इस बात को मानते हैं। लेकिन ऐसा हर्षमैन नहीं कहते, ये बात कहते हैं कि अल्पविकसित देश के पास संसाधन कम होते हैं, समस्याएं सभी क्षेत्र में होती है, लेकिन सबसे पहले उस क्षेत्र में व्यय किया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक पप्पू नाम का व्यक्ति है और इसके चार बेटे हैं, मान लीजिए रामू, श्यामू, विनोद, राजेश, ये चार बेटे हैं। पहला जो लड़का है ये शराबी है, दूसरा लड़का आवारागर्दी करता है, तीसरा लड़का साइकिल की दुकान खोला है और चौथा लड़का आईएएस बनना चाहता है। पप्पू के चार पुत्र हैं और चार किस्म के हैं। देखिए, बाप की नजरों में चाहे पुत्र लायक हो या नालायक हो, सभी एक समान, क्योंकि अगर इसे पैसा नहीं देंगे तो बगावत कर देगा, इसको भी नहीं देंगे तो ये भी बगावत कर देगा, देना तो पड़ेगा। और पप्पू के पास मात्र 100 रुपए हैं, ये साधन क्या है, सीमित है। यही बात ये दोनों कह रहे हैं कि संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। तो पहली बुद्धिमानी इनकी यह है कि 25 रुपए इसे दे दें। जब पप्पू ने अपने चारों पुत्रों में अपने पैसे को एक समान दे दिया तो उसे संतुलित विकास कहते हैं। जब सरकार अपने बजट के माध्यम से सभी क्षेत्रों में एक समान खर्च आवंटित करे तो उसे बैलेंस डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन आगे चलकर हर्षमैन कहते नहीं, ऐसा नहीं करना है वरना संसाधन का बर्बादी होगा। तो इसके पास एक रास्ता और है, वो रास्ता क्या है कि देना तो सभी को पड़ेगा, बिना दिए काम नहीं चलेगा। इसको 5 रुपए दे दें ताकि केवल पानी पी सके, इसे भी 5 रुपए दे दें, ये साइकिल की दुकान खोला 10 रुपए दे दें, ये आईएएस बनना चाहता इसे 80 रुपए दे दें ताकि ये भविष्य में आईएएस बन जाए तो पूरे परिवार की तस्वीर बदल दे। तो जब जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाता है तो उसे इनबैलेंस डेवलपमेंट कहते हैं, जिस बात को हर्षमैन ने कही। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सरकार अपने बजट के माध्यम से जो सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज्यादा धनराशि आवंटित करे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए कम धनराशि आवंटित करे तो उसे इनबैलेंस डेवलपमेंट कहते हैं, इस बात को हर्षमैन कहते हैं। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समावेशी विकास, तीव्र समावेशी और पोषणीय विकास, इसी को धारणी विकास भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। देखिए, समावेशी वर्ड जहां भी मिल जाए, जैसे इसके आगे हम लगा दें समावेशी शिक्षा, तो जो चीज मैं विकास के संदर्भ में मैं बोलूंगा वही चीज शिक्षा के संदर्भ में भी होगा कि विकास की ऐसी लहर की कोई वर्षा की ओट में न रह जाए। जिस तरह प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, उसी तरह सरकार को भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके साथ एक समान व्यवहार करती है,
इसी तरह जब सरकार की योजनाओं का लाभ सुदूर बैठा सबसे पिछड़ा व्यक्ति यदि पाता है तो हम कहेंगे विकास समावेशी है अन्यथा नहीं। अब प्रश्न बन जाए कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो शिक्षा की वह व्यवस्था कि कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए, सुदूर बैठा सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी यदि शिक्षा प्राप्त करता है तो समावेशी शिक्षा। पर्यावरणीय ये पोषणी और धारणी विकास का जो संबंध है ना, ये पर्यावरण से है, पर्यावरण से, ये पर्यावरण से संबंधित है। पोषणी विकास या धारणी विकास पर्यावरण, इसका मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता में कोई कमी ना किया जाए तो हम कहेंगे विकास पोषणी है अन्यथा नहीं। ये चैप्टर में ये सारी बातें रही। मैं अगला वीडियो आपके लिए बेरोजगारी को लेकर के आऊँगा और विस्तार से उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।